नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत गढ़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी हाँ, तो एक प्रयाग का प्रयाग में दो पंच प्रयागों का एक प्रयाग है, तीसरे नंबर का प्रयाग, पहले दो प्रयाग आगे आते हैं उसके बाद खाण प्रयाग। यहाँ पर अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम है कर्ण प्रयाग में, और मैं अभी कर्ण प्रयाग में उमा देवी के मंदिर के ठीक सामने हूँ और मंदिर बहुत खूबसूरत है। और कर्ण प्रयाग संगम जो आपको मैं दिखाऊंगा और आप जब देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत स्थान यह एक महत्व रखता है कर्ण प्रयाग। कहते हैं इसका जो पौराणिक जो कथा है, इस जगह का अस्तित्व है महाभारत से जुड़ा हुआ है। कहते हैं जब अर्जुन ने कर्ण का वध किया था तो भगवान श्री कृष्ण ने इस स्थान पर कर्ण का दाह संस्कार किया था, तभी से यहाँ का नाम कर्ण प्रयाग पड़ा हुआ है। और दूसरी मान्यता यह भी है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के, डिस्क्रिप्शन में जब आप देखोगे तो मैं दूसरी मान्यता के बारे में डिस्क्रिप्शन में आपको बताऊँगा। आगे के लिए जो रास्ता जा रहा है, ये ब्रिज दिख रहा है जिसका गोपेश्वर के लिए गया आगे के लिए। ब्रिज बहुत ही खूबसूरत, और जो ये ब्रिज बना हुआ है यह पिंडर नदी के ठीक ऊपर बना हुआ है, और यह जो जोड़ता है गोपेश्वर को हमारे थराली विधानसभा से जोड़ता है। और ब्रिज बहुत ही पुराना है, बहुत ही खूबसूरत है। हालाँकि जब आपदा आई थी यहाँ पर, इस ब्रिज को भी हल्का सा नुकसान हुआ था, लेकिन हमारे इंजीनियर ने इसको संभाल दिया है। ब्रिज को बहुत ही खूबसूरत जो ये पुल दिख रहा है आपको, यह भी पिंडर नदी के ठीक ऊपर बना हुआ है। और कर्ण प्रयाग में टोटल दो पुल है, एक थ्राली से जो थ्राली को जोड़ता है, थ्राली गोपेश्वर को जोड़ता है, और ये वाला पुल जोड़ता है देहरादून गोपेश्वर को, गोपेश्वर को राइट, देहरादून गोपेश्वर को ये वाला पुल जोड़ता है। तो बहुत ही खूबसूरत आगे जो ये रोड गई, ये सीधा गई हमारे गोपेश्वर के लिए। सामने का खूबसूरत नज़ारा जो देख रहे हैं आप, जो ये ब्लू कलर का पानी दिख रहा है, यह पिंडर नदी है, और आगे से जो हल्का मटमैला नदी है वो है अलकनंदा नदी, और ये सामने संगम। आप देख सकते हैं कितना अद्भुत यह नज़ारा है, कितना अद्भुत यह संगम है यहाँ पे कर्ण प्रयाग, पंच प्रयागों में से एक प्रयाग यह मानते हैं। और संगम देखो आप, पानी एकदम एक साइड को मटमैला पानी दिख रहा है और एक साइड को आपको ब्लू पानी दिख रहा होगा। बहुत ही खूबसूरत कर्ण प्रयाग संगम, और ठीक सामने इसका घाट है जहाँ पे स्नान होता है, तो बहुत ही खूबसूरत। और जो ये प्लांट है, यह नमामि गंगे के प्रोजेक्ट के माध्यम से यह प्लांट लगा हुआ है, यहाँ से पानी फिल्टर होता है और आगे जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत, क्या बताऊँ मैं इस जगह के बारे में।